स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। हिंदी में हम पहले क से कबूतर सीखा था, हमने क से कबूतर या क से कमल, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब आपकी नोटबुक में तो आप ये 2 पेज कर चुके हो, अगर 1 पेज आपका ये बचा होगा तो आप यहाँ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नोटबुक के बैक साइड कर लीजिएगा पीछे, है ना, प्रैक्टिस के लिए। देखिए क से कबूतर, चलिए ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये लाइन 1 लाइन स्किप करके लिखा है, ये कैसे लाइन खींचा, फिर ऐसे सर्कल बना लिया, फिर इसे थोड़ा सा मोड़ दिया। ये देखिए क से कबूतर या क से कमल, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे सर्कल बनाया, इसे हाफ सर्कल बना दिया। ये देखिए क से कबूतर या क से कमल भी होता है, खींचा ऐसे कर दिया, एक लाइन खींचे ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए ये आप लोग कर चुके हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। और ये याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस में भी 1 लाइन स्किप करके लिखना है। कुछ स्टूडेंट एकदम एक जैसी लाइन खींच के वहाँ वहाँ कर देते हैं, वो बहुत कंजस्टेड लगता है। 1 लाइन स्किप करनी है आपको, जैसे मैंने किया, और ये बड़े बॉक्स में लिखना है, छोटे बॉक्स में नहीं। देखिए ये हो गया आपका क, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में भेजना है। थैंक यू।